हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एसएसबी अड्डा सीजन 4। जैसा कि आप सबको पता है कि सेट नंबर 1 मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए। तो आज मेरा सेट नंबर यहाँ पे 2 रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का 20 जनवरी 2022 को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का है। जो इससे पहले जो सेट करवाया था वो इसी डेट का यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का था और ये सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के सेक्शन यहाँ पे कवर करेंगे आज सेट नंबर 2 के अंदर। देखते हैं कि मैथमेटिक्स के सेकेंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सवीर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन परचेस बिल ऑफ ₹7500। 7500 उसने एक यहाँ पे बिल था उसका, जो आया था टोटल बिल 7500 आया था, बट दुकानदार को यहाँ पे दुकानदार ने उसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ व्हाट इज़ द टोटल डिस्काउंट ही गॉट, उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ नहीं करना, बस हमने वैल्यू देखनी है कि आपके पास टोटल बिल कितना था 7500, और इसमें से बोल रहा कि उसने 10% का यहाँ पे छूट दिया आपको। तो मैं देख लूँगा सिर्फ डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट निकालने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10%, 10% की वैल्यू होती है 10/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा, डिस्काउंट कितना दिया 750, उसने डिस्काउंट दे दिया आपको 750। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसा करते करते अगर उसने बोला होता यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि डिस्काउंट के बाद उसने कितना पैसा दिया, ठीक है, कि उसको कितना पे करना पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, तो फिर हमारा आंसर क्या आता, फिर हमारा आंसर यहाँ पे 7500 तो टोटल बिल बना था, उसमें से 750 सॉरी उसमें से जो 750 है वो क्या आपका, वो आपको दिया गया डिस्काउंट। तो यहाँ पे 15 में से 7 के कितने बचे, 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे 6, 6800। तब आपका आंसर कितना आता, 6800 उसको पे करना पड़ता। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगा ये सेक्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, और कैलकुलेटिव इसको मैं नहीं बोलूँगा, कैलकुलेटिव है। जिसने मेरा यूनिट डिजिट मेथड पढ़ा था उसके लिए ये हार्डली 3 to 4 सेकंड का ये क्वेश्चन था, जो जिसने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी वो कर लेगा ये, ठीक है। तो देखो मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट निकालना है मुझे जो प्रोडक्ट हो रही है 538 मल्टीप्लाई 1052 मल्टीप्लाई 3312 मल्टीप्लाई 8328। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कोई भी एक नंबर है मेरे पास, ये है, ठीक है, 4 डिजिट का एक मेरे पास नंबर है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देखूँ तो इसका यूनिट डिजिट तो वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट वो होता है जो उस नंबर का लास्ट अंक हो, लास्ट डिजिट हो, उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो हमें निकालना भी क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना इनकी ना इनकी ना इनकी ना इनकी, हम ऐसे करते सीधे हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड देखते हैं। तो यूनिट डिजिट मेथड से हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 2, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें। 8 × 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बचा, 6। अब जो अगली मल्टीप्लाई होगी वो इस 6 की यहाँ पे यूनिट डिजिट की 2 के साथ होगी। तो 6 × 2 कितना होता है, ये होते हैं आपके 12। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना, 2 आ रहा है, तो 2 की आगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 8 के साथ। तो 8 × 2 कितना होता है, यहाँ पे 16 होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है प्रोडक्ट का, या लास्ट में 6 आ रहा है, कहीं 6 दिखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6। बस यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने बोल दिया होता सम निकालना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो प्लस यूनिट डिजिट क्या आना था, ठीक है। तो तब हमारा आंसर क्या आना था, 8 और 8 कितने होते, 16 17 18 19 20। तो तब मेरा यूनिट डिजिट क्या आता, 0 आता, ठीक है। गॉट इट, लग गया बता, बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का दिख सकता है, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पाइप एंड सिस्टम से, तो मे भी इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। बट क्वेश्चन ये वही होते हैं, चाहे पाइप एंड सिस्टम हो चाहे टाइम एंड वर्क हो, आंसर आपके मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही फार्मूला लगेगा जो आपका टाइम एंड वर्क में लगता है। देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 498 सेकेंड। एक पाइप है ए, जो कि कितना टाइम लेता है फिल करने को टैंक को, 498
8 सेकंड में उसको फिल कर रही है, ठीक है। अब दूसरी पाइप है एक बी, जो कि उसी सेम टैंक को 4 to 49 सेकंड के अंदर फिल कर रही है। यहाँ पे बी है, तो बी जो है वो कितने सेकंड के अंदर, 2 to 49 सेकंड के अंदर फिल कर रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ जब दोनों की दोनों पाइपें एक ही टाइम पे खुल जाएं, तो बताओ कितने सेकंड के अंदर वो दोनों पाइप टंकी को, एक खाली टंकी को भर देंगी, फिल कर देंगी। तो ये वही क्वेश्चन है, ए अपना 498 डेज़ के अंदर काम करता है, बी अपना 249 डेज़ के अंदर काम करता है। तो बताओ जब ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, एग्जामिनर ने आपको ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसने भी सोच समझ के दिया होता है, क्वेश्चन ईजी होगा। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इनका, यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से कटे, मतलब इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो, और वो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 249 सेकंड वैल्यू हमारी 249 का अगर मैं डबल कर दूँ तो मेरे पास 498 नंबर आता है, ठीक है। 498 यहाँ पे भी है, और इसका अगर मैं डबल करूँ तो ये 498, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम मैं 498 ले सकता हूँ। तो 498 से ये कितना टाइम कटेगा, ये 498 से एक टाइम कटेगा। 249 से ये 498 कितने टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा। अब याद रखना, ये जो जो मैंने एलसीएम लिया है, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, यही हमारा टोटल वर्क होता है। और ये जो है 1 आई और ये 2 आई, ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी वो होती है कि एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है ये, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे 1 है और मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ। प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है टैंक, फिल कर रहा है। इसलिए कई जगह यहाँ पे एम्प्टी आएगा, तो एम्प्टी में हम क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक है। अगर दोनों जगह फिल हो रही हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब उसने बोला दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए और बी पाइप दोनों मिलकर काम करेंगे, तो काम कितने टाइम के अंदर फिल होगा। टाइम पूछे या डे पूछे, टाइम पूछे या डेज पूछे, फार्मूला एक ही होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो हमारा वर्क कितना निकला था, 498 हमारा टोटल वर्क था, ये मैंने बोला टोटल वर्क यही होगा आपका। तो डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कितना टाइम कटेगा भाई बताओ मुझे, ये 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है, बचा एक कैरी, और 19 6 3 18 हो जाएगा, और 6 3 18 फिर से, तो 166 सेकंड के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 166 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया। लग गया पता या नहीं लगा पता, लग गया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहो, मैं आपको अच्छे से ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से उठाया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:9 एंड देयर सम इज 1037, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। ग्रेटर नंबर मुझे निकालना है दोनों में से, तो इन दोनों में से ही देखो ये रेशियो होती है ना, यही नंबर्स होते हैं, ये बेसिकली आपके नंबर्स ही हैं, बट ये काट के आए हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 8:9 बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें से ग्रेटर नंबर जो है वो मेरा 9 है, तो मुझे 9 की वैल्यू निकालनी है। बट क्वेश्चन को मैं अगर पहले बेसिक मेथड से आपको कराऊं, तो बोरा कि ये आपके पास 2 रेशो हैं नंबर की, और इन्हीं दोनों रेशो का जो सम है वो 1037 के बराबर है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पर 17, ठीक है। तो अगर मैं 17 यूनिट हमारा रेशो का आ रहा है ऐड करने पर, तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि वो कितनी है, 1037 आपके पास। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी, अगर मैं 17 × 6 करूं तो वो मेरा आता है 102, ठीक है। अगर मैं 17 × 6 करूं तो 102 आता है, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 से यहाँ पे 7 कैरी किया तो 17 हो गया, तो 17 × 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो देखो अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर आपके पास 61 आ रही है, तो फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कितना है, 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास 61 मल्टीप्लाई अगर मैं 9 करूं तो ये मेरा 549 आंसर आता है। गॉट इट, लग गया समझ। बट मैं आपको इससे भी बेहतरीन एक मेथड आपको बताता हूँ भाई, ठीक है।
मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी रेशो आती है, जब भी हम रेशो प्रोपोर्शन करेंगे तो आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं और डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर नंबर कौन सा इसमें से? 9 ग्रेटर नंबर है, मतलब जो भी आंसर होगा वो मेरा 9 से डिविजिबल तो होगा होगा भाई, ठीक है। अगर वो 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल भी होगा वो पक्का पक्का नंबर। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड देखता हूँ। ये अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कोई भी डिजिट का सम अगर वो पूरा का पूरा 9 से कट गया तो वो पूरा का पूरा 9 से भी नंबर कटेगा कटेगा। तो मैं देख लेता हूँ डिजिट का सम, 9 + 1 कितना होता है? 10, 10 × 5 = 15। क्या 15 आपका 9 से कटता है? नहीं कटता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, 8 और यहाँ पे 9 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 17। क्या 17 9 से कटता है? ये 17 9 से नहीं कट रहा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 16। क्या 16 9 से डिवाइड होता है? 16 9 से डिवाइड नहीं होता। तो ये 5 4 कितने होते हैं? 9, 9 और 9 कितने होते हैं? 18। क्या 18 मेरा 9 से कट रहा है? 18 मेरा 9 से कट रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 549। गॉट इट? लग गई समझ भाई? लग गया ना पता? चलो ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो उठाया हुआ है ये परसेंटेज से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है। इफ़ ए गॉट 616 मार्क्स एंड बी गॉट 462 मार्क्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स इज बी मार्क्स। ये मैंने आपको परसेंटेज में ना टाइप नंबर 3 या 4th, सेकेंड या 3rd में करवाया हुआ, लेक्चर नंबर देख लेना हमारे 2 या 3 के अंदर। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी ये स्टेटमेंट आए, व्हाट परसेंट ऑफ ए मार्क्स इज़ बी मार्क्स, मतलब व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, तो यहाँ पे याद रखना जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ये आपकी क्या है? सेकेंड वैल्यू। और यहाँ पे इज आ रहा, पहले परसेंटेज पूछा उसने, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, तो मतलब यहाँ पे याद रखना बी वाला ऊपर आएगा, ए वाला नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बी आपकी कौन सी वैल्यू है? आपकी ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो 462 आपका ऊपर आ जाएगा, 616 आपका नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे। अगर मैं इसको 2 से काटूं, ये 2 से कितना टाइम कटेगा? ये 2 से 3 टाइम कटेगा और ये 2 से 8 टाइम कट जाएगा, ये 2 से आपका 50 टाइम कट जाएगा। देखो आपकी कैलकुलेशन, आपको ना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगी, ठीक है। फिर से 2 से काटो, ये 15 से 2 30 टाइम, ये 4 से कट जाएगा, ये आपका 25 से कट जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट 2 आए? 4 × 3 12 होता है, तो यहाँ पे 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटता पूरा कि नहीं कटता? ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, तो 25 × 3 कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर दैट इज 75 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लग गया पता? समझ आ रही है ना? अगर समझ आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो आप यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर आई थिंक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया रेशियो का, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे, बोलता है कि 1066 रुपीस मेरे पास पड़े हुए हैं और उसको मैंने बांटा है 2 आदमी में, 6 औरतों के लिए और 8 लड़कों के बीच में पैसा बांटा, और ऐसा बांटा कि जो एक आदमी का एक वूमेन और एक लड़का जो रेशियो बनती है वो 3:1 बनती है। देन हाउ मच डज ए मैन गॉट, ए मैन मतलब एक आदमी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो ये रेशियो है ना 3:2:1, ये आपकी है एक आदमी की, एक औरत की और एक लड़के की है। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि जो ये 1066 पैसा है, 1066 जो पैसा है इसको मैंने डिवाइड करना है 2 आदमी 6 औरत और यहाँ पे 8 लड़कों के बीच में पैसा डिवाइड करना है। बट जो रेशो है ये हमारी क्या है? ये एक एक आदमी की है, ठीक है, एक आदमी एक औरत और एक लड़के के लिए। तो बट मैं 2-2 की निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 3:2:1 है तो ये थी एक मैन का, तो 2 मैन को यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा,
ठीक है, अगर यहाँ पे अगर एक औरत को दो शेर हैं उसके पास, तो टोटल औरत कितनी है? 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, 6 दो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे लड़के कितना? एक लड़का है, तो यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितने हैं? 8 है, तो 8 के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। 6:12:8, यहाँ पे हम ऊपर निकाल रहे हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं, तो 6:12:8 आगे ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी, ये भी 2 से कट जाएंगे, 2 से 3 टाइम, 2 से 6 टाइम और 2 से 4 टाइम। तो ये आपकी फाइनल रेशो आई है जब आपके पास यहाँ पे 2 मैन हैं, 6 वुमेन और 8 बॉयस है, ये उनकी रेशो आ गई। अब बोल रहा कि इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे 1,066 पैसा था जो बांटना था मुझे, तो मैं रेशो में भी क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे निकालते हैं 13 यूनिट, 13 यूनिट की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी है वो कितनी दे के रखी है? 1,066 आपको दे के रखी है। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, डिवाइड करता हूँ, तो देखो फिर मेरा आंसर क्या आता है। तो ये आपका 13 से कितना टाइम कटेगा? ये 13 × 8 जो होता है ना, वो होता है 104। 13 × 8 करूँ तो 104 आता है, ठीक है। तो 106 में से 104 गए तो बचे 2, और यहाँ पे 6 कैरी किया तो कितना हो जाएगा? 26। तो 13 दूने कितना हो जाएगा? 26। तो 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू आई है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 82 आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 82 आ रहा है। तो मुझे ये बताना है कि आदमी को कितना पैसा मिला होगा, एक आदमी को, ए मैन मतलब एक आदमी का। ये जो हम रेशो निकाली है, ये हमने निकाली है कितनी? ये हम इसके हिसाब से निकाली है, 2 मैन 6 वुमेन 8 बॉयज़, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैन, ये आपकी मैन की रेशो है, ये आपकी वुमेन की रेशियो है, ये आपकी बॉयज़ की रेशियो। तो मैन के पास कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। अगर 1 यूनिट में 82 है तो 3 यूनिट में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ये 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 × 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। लग गया पता? अब ये जो आया है आपका, ये आया है आपका 2 मैन का, दो आदमी 246 काम करते हैं, ठीक है। दो आदमी का जो पैसा है वो 246 है, बट मुझे जो क्वेश्चन में पूछा वो कितना पूछा? एक आदमी का पूछा है। तो अगर दो आदमी का 246 है तो एक आदमी का कितना हो जाएगा? 246 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 1, 2, 3 आ जाएगा। कोई ऑप्शन नंबर है यहाँ पे? 1, 2, 3 आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए मैन ना होते, यहाँ पे 2 मैन का होता, तो फिर आपका जो 246 है यही आपका क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। लगा बता? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था ये, ठीक है। जिनकी अभी ये प्रैक्टिस सेशन चल रही है उनके लिए सीरीज़ काफ़ी 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 हेल्पफुल होगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम से है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूरा पूछा गया है फार्मूला बेस पे। बोल रहा है यहाँ पे, इला देवी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 139 किलोमीटर पर आवर एंड शी रीचिज द डेस्टिनेशन इन 15 आवर्स, 15 घंटे के अंदर वो अपनी जगह पर पहुँच जाती है, तो मुझे बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हो। तो डिस्टेंस का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे देख लो, स्पीड आपके पास कितनी दे के रखी थी? 139, और टाइम आपके पास कितना है? 15 आवर्स है। तो मैं इसको ना यहाँ पे, ये 2/3 है मल्टीप्लिकेशन, मैं इसको 3/3 में बना सकता हूँ। मैंने किया 139 × 15 और यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। पहला स्टेप क्या करते हैं हम? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 5 कितना हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। 9 × 1 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 9, और 5 × 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 × 4 9, और 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18, 1 और 2 28। तो यहाँ पे मैंने 8 कर लिया, 2 कैरी ले लिया। अगले स्टेप के अंदर जो है ना वो हम करेंगे, यहाँ से इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, देन इसकी फिर ऐड कर देंगे। 5 × 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ठीक है। 9 × 0 कितना हो जाएगा? 0। 3 × 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो कैरी कितना है? 2 कैरी है, तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 8, 5 × 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे 0, तो 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ही सॉल्व करता हूँ, इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देख लो कि लास्ट के 3 डिजिट कभी 085 है। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट 985, 885, 185, एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जिसका आंसर बन रहा है 058, दैट इज़ प्रॉबली, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा बता?
मैं अपनी कैलकुलेशन इतना यहाँ पे लंबा नहीं खींचूंगा, बस मुझे यूनिट डिजिट, अगर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 8 होता, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो तब मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा था 5, तो मैं सीधे आगे मल्टीप्लाई ना करते मैं सीधे इसी को टिक करके आ जाता, तो मेरा आंसर सही हो जाना। ठीक है, लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एवरेज से उठाया है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, मैंने आपको ये सारा पढ़ाई थी टाइप इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली में आपको पता है कि हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ए प्लस एन डी, वेयर ए होती है आपकी फर्स्ट एवरेज, एन होते हैं आपके नंबर आफ्टर इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड होने के बाद कितने नंबर बचे, डी होते हैं डिफरेंस इन एवरेज, पहले एवरेज कितनी थी और अब एवरेज कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो वही देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़ाइए, द एवरेज ऑफ 89 नंबर इज 235, मेरे पास 89 टोटल नंबर है, उनकी एवरेज है 235, आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर, एक्सक्लूड मतलब माइनस करना, मतलब एक नंबर हमने माइनस कर दिया, टोटल नंबर थे 89, 89 में से अगर एक नंबर चला गया तो अब कितने बचे नंबर, 88 बचे। ऐसा करने पे बोलता है कि जो मेरी एवरेज है, द एवरेज रिमेंस द सेम, आज भी मेरी एवरेज सेम रहती है, पहले 235 थी, आज भी 235 रहेगी, तो फाइंड द नंबर विच इज एक्सक्लूडेड, मुझे वो नंबर बताओ जो एक्सक्लूड हुआ भाई। ठीक है, तो देखो भाई ये कैसे निकलेगा आपका भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया ए प्लस एन डी करना है, ए होती है फर्स्ट एवरेज, फर्स्ट एवरेज कितनी थी आपके पास 235, प्लस एन होते हैं नंबर इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद कितने बचे, फाइनल 88 बचे, और डिफरेंस इन एवरेज देखो पहले एवरेज 235 थी और जब इंक्लूड एक्सक्लूड हुआ तो बोलता है एवरेज सेम रही, 235 ही रही, तो आपका एवरेज कितनी यहाँ पे डिफरेंस बना, ज़ीरो बना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा ज़ीरो ही आता है, तो 235 प्लस ज़ीरो, तो मेरी आंसर कितना आया, 235 आया। और ये एक चीज़ याद रखना कि JKSSB ने सेम ऐसा ही पैटर्न पे क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा, इससे नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा हुआ, और सभी के आंसर वही थे कि जिनकी एवरेज फर्स्ट बन रही है वही इनका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने बोला इंक्लूड एक्सक्लूड होने के बाद इतने नंबर बचे, बट एवरेज सेम कर दी उसने, अगर जब एवरेज सेम हो जाएगी तो मेरा डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम मतलब अगर एवरेज पहले 235 थी, अगर 235 ना होने के बाद यहाँ पे अगर 125 थी, तो बोल रहा कि अगर एक नंबर घटा दिया गया तो आज भी एवरेज सेम बची है, 125 ही बची है, तो डिफरेंस कितना आएगा, ज़ीरो। अगर डिफरेंस ज़ीरो आएगा तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है इन दोनों के, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो ही बनेगी, जो एवरेज फर्स्ट होगी वही आपकी राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नंबर सिस्टम से उठाया गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं लगातार, नेचुरल नंबर है, अगर एक है एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, तो इन सभी का जो डिफरेंस है ना वो सभी का डिफरेंस क्या रहेगा, एक 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 का सेम रहता है डिफरेंस। ठीक है, और वो मुझे बोल रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, बस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 5, 2, 3, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब उनका क्या निकालना है, सम, तो मैं सम कर दूंगा, अगला नंबर क्या होगा मेरा, 5, 2, 3, 6, फिर इससे आगे 5, 2, 3, 7, फिर इसके आगे 5, 2, 3, 8, फिर इसके आगे 5, 2, 3, 9, तो बोल रहा है ये सम है, सम है, तो मुझे अभी क्या निकालना है यहाँ पे, इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, मुझे रिमाइंडर बता दो जब मैं इनको 5 से डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर निकालना है, तो मैंने आप सबको बोला है कि यूनिट डिजिट मेथड एक सबसे अच्छा मेथड है, यहाँ से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बट डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा जो यूनिट डिजिट है उनके मैं क्या करूँगा सम, जैसे 9 और 8, 8 और 7, 7 और 6, 6 और यहाँ पे 5, इनको क्या कर दूँगा मैं, ऐड कर दूँगा। ठीक है, और जो नंबर आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा, जो मेरा रिमाइंडर बचे वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करते हैं अभी ऐड इनको, देखो 6 और यहाँ पे 5, 6 और 5 कितने होते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे 11, प्लस 7 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा ये मेरा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 18। ठीक है, 18 में मैं अगर और 8 जोड़ दूँ तो मेरा कितना बनता है, मेरा बनता है 26, 26 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो मेरा कितना बनेगा यहाँ पे, 35 बन जाएगा। ठीक है, मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे, 35 बन जाएगा। अब मैंने क्या देखना है कि ये नंबर जो लास्ट यूनिट डिजिट है ये वाला, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट ये नहीं देखना कि 3 आ गया, मुझे बस यूनिट डिजिट, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ यहाँ पे
यहाँ पे यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसका पूरा बेसिक बताता हूँ, ठीक है। इसका पूरा बेसिक क्या था भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का बेसिक है एक फार्मूला जो कि अर्थमेटिक सीरीज में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 9th में, 10th में, 11th में आपने अर्थमेटिक सीरीज का यहाँ पे पढ़ा होगा, वो बताता हूँ मैं आपको फार्मूला। तो ये रहा आपका यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला, जब हम 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, उनके सम की, तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, वेयर आपका जो n है, ये n, ये आपको बताता है कि आपके पास टोटल सम कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स का है। n है नंबर आपके पास, a जो होती है वो होती है फर्स्ट सीरीज़ का नंबर, तो वो कितना है, 5 2 3 5 से शुरू होता है। डी होता है डिफरेंस इन एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस है वो कितने का आता है, एक एक का ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई n बाई 2 कितना आ जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a होता है आपका फर्स्ट सीरीज का नंबर, तो 5 2 3 5 फर्स्ट नंबर रहा आपका, प्लस n माइनस 1, n कितना था आपका 5, तो 5 माइनस 1, तो d आपका डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपका कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 5/2, तो यहाँ पे अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 × 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 और ये 1 कैरी था, 7 हो जाएगा। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 2 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, और प्लस में ये आपका कितना बचेगा यहाँ पे, 5 − 1 = 4, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 5/2, 1047, और ये प्लस यहाँ पे 4 कर दो, ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको काटूँगा किससे, जब मैं इसको 2 से काट लूँ या 5 के सीधे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो तब क्या होता है, यहाँ से 2 से काट लेते हैं, ये 2 से आपका कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम, ये 2 से 2 4 टाइम, ये 2 से 3 6 टाइम, 2 से 3 6 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 से 7 टाइम ये कट जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 3 7, देखो ये आपका जनरल फार्मूला है यहाँ पे किसका, सम निकालने का, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स के लगातार सम का, ये सम का फार्मूला आता है हमारा। तो देखो 5 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो 3 कैरी कर लिया। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 × 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ठीक है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 कैरी। 5 × 5 25, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26, तो ये आपका आया 26185। एक बार फिर से आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेना भाई, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास नंबर आया 2615, अब मुझे देखना कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइडेड है कि नहीं है, क्या ये 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता भाई। तो यार देख लो 5 से डिवाइड, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, या तो यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट, या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर वो 0 और 5 हो लास्ट डिजिट, तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से कट जाता है। तो यहाँ पे देखो ये कितना आपके पास, ये आपका 5 ही आ रहा है, तो आपका 5 आ गया, तो मतलब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, 5 आ गया ये, तो 5 है, तो ये पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। तो नंबर अगर पूरा पूरा कट गया नंबर, तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, फिर 0 ही आएगा हमारा रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपको मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से है, द प्राइस ऑफ बकेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1240 to 1426, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको मैंने बेसिक से बेसिक पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीज हुआ भाई, ठीक है। ये देखो ये ओरिजिनल वैल्यू आपकी 1240 और ये आपकी बाद में वैल्यू होगी 1426। तो देखो यहाँ पे से वैल्यू मेरी कितनी बढ़ी है भाई, पहले मेरे पास 1240 थे, आज मेरे पास 1426 रुपये हो गए, तो कितना वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो क्या करते हैं हम इन दोनों का डिफरेंस ही देखते हैं, 1426
और यहाँ पे 1240, ठीक है, ये आ जाएगा 6 12 में से 4 8 बचे, यहाँ पे आपका कितना बचा 186। तो मतलब ये इंक्रीज़ हुई है वैल्यू, वो 186 की इंक्रीज़ हुई है। तो याद रखना, जब भी परसेंटेज आप निकालते हो तो आपकी टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ, यहाँ पे टोटल इंक्रीज़ हुआ 186। और ये इंक्रीमेंट आपको कहाँ से पता चला कि मेरा इंक्रीज़ हुआ, ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू से पता चलती है। याद रखना, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपको पता होगी कि 186 इंक्रीज़ हुआ था तभी मेरे पास 1426 पैसा बचा। तो ओरिजिनल हमेशा याद रखना, परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है वो हमेशा ओरिजिनल होती है 1240। और परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटो ये 62 टाइम, ये 2 से 5 टाइम। अगर मैं 62 से काटूँ तो 62 से 3 टाइम कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ए मोनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट, बॉट मतलब CPU फॉर ₹22,500 का उसने ख़रीदा था और उसने बेच दिया 15,750 का। अपना कंप्यूटर उसने 22,500 का लिया था, बेचा उसने 15,750 का, तो उसको लॉस कितना हुआ ये बताओ मुझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक पहले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझे बच्चा देगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे मैथमेटिक्स के मेरे, ठीक है, बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थे इसमें। अगली जो वीडियो आएगी वो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको मिलेगी, सेट नंबर 3 होगा, जिसमें हम यहाँ पे अगला शिफ्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी क्लास आज मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें भाई। ठीक है, अगर आपके दोस्त भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।